नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। पाकिस्तान ने 5 सालों में पहली बार भारत में चुपचाप अपने 40 अधिकारियों को भेज दिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार पाकिस्तान को डेलीगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा। जैसे ही पाकिस्तान डेलीगेशन भारत पहुंचा, उसे तुरंत होटल में शिफ्ट कर दिया गया और होटल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। आपको शायद पता ना हो, लेकिन भारत में चुपचाप ऐसा खेल कर दिया है जिसमें पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का डेलीगेशन भारत में अचानक क्यों आ गया है। दरअसल पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत उसकी तरफ आने वाले नदियों का पानी रोक रहा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत जम्मू कश्मीर में अपने हिस्सों की नदियों पर दो बांध बना रहा है, लेकिन उसके हिस्से की नदियों पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जो सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है। भारत अब पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों पर भी अपने प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि 1960 में हुई सिंजल संधि यानी इंदूस वाटर ट्रीटी के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ था। इसके तहत 3 पूर्वी नदियां जिनमें रावी ब्यास और सतलुज शामिल है, इनके पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियां जिनमें जेलम, चिनाब और सिंधु शामिल हैं, इनके पानी के बहाव को बांधा रहित बाकी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी रावी नदी पर तो बांध बनाकर पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की चिनाब और जेलम नदी पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए। इंदूस वाटर ट्रीटी के नियमों के अनुसार भारत पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों का पानी भी इस्तेमाल कर सकता है। इनका करीब 20% हिस्सा भारत के लिए है। बस भारत पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों के पानी को नहीं रोक सकता, मगर उन नदियों पर ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है जिनसे पानी का बहाव ना रुके। इसलिए भारत ने पाकिस्तान की नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने पानी को रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने पाकिस्तान की जेलम नदी पर किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और चिनाब नदी पर रात हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी काम शुरू कर दिया गया है। भारत यही नहीं रुका, भारत ने तो पाकिस्तान की चिनाब नदी में मिलने वाली 2 सहायक नदियों पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है। पहला है 1000 मेगावाट का पालकदुल प्रोजेक्ट, जो चिनाब की सहायक नदी मरु सुदूर पश्चिम को भी ले आए। वैसे कई लोगों का कहना है कि पानी तो बहाना है, पाकिस्तान दरअसल अपना हुक्का पानी तलाशने के लिए आया है। पाकिस्तान इंदूस वाटर ट्रीटी के बहाने भारत से मिलना चाहता था ताकि भारत से मदद की भीख मांग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.7।